फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले ब्लॉग में आप सबने देखा कि मेरी विदाई की तैयारी हो रही है और मैं भी उसी तैयारियों में बस लगी हूँ। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ही टाइम है, 8-9 बज रहे होंगे। मैं नहाई धोई नहीं हूँ अभी, पिछले ड्रेस में हूँ। मैंने अलमारी से, मतलब कबर्ड से, सारे कपड़े अपने और अंश के निकाल दिए, क्योंकि जब भी हम यहाँ शिफ्ट होते हैं ना तो सारे कपड़े हमें एक कबर्ड मिल जाता है जिसपे हमें अपने सारे कपड़े रखने होते हैं। तो उसमें से निकाल के सबसे पहले मैंने अंश के कपड़े, मतलब नहीं, मैंने अपने कपड़े सेट किए जो हैवी वाले थे ना, साड़ी वगैरह वो सब, फिर सूट्स वगैरह भी डाल दिए मैंने। और फिर उसके बाद अंश के कपड़े सेट किए और मेरे जो घर में पहनने वाले या फिर लोअर टी शर्ट इस टाइप के कपड़े थे वो सारे मैंने दूसरे ट्रॉली में सेट किया। लेकर तो आई थी कम, लेकिन 2-4 कपड़े तो यहाँ से बढ़ ही गए हैं ऑब्वियसली। मम्मी ने भी जो मुझे साड़ी दी है वो मैंने रख ही लिया है, वो मैं पहन के अभी नहीं जाऊँगी, उसको मैं कभी और पहन लूँगी। और आज भी सो उठ कर आ चुका है और इधर बालकनी में पैर फैलाकर बैठा है, क्योंकि उसको दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, जो इसके घुटने में चोट लगी है ना। और सो उठ कर वैसे भी बच्चे थोड़ी देर के लिए सुस्त तो हो ही जाते हैं, तो ये शांति से बैठा बेचारा। हमारे घर आया एक पहलवान, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। दिल्ली जंतर मंतर पे ये बैठा हुआ था, क्यों? क्या हुआ अंश तुमको? तो बस अंश को मैंने नहला दिया था, आप सबने देखा है उसके कपड़े चेंज हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े धुले पिछले 3-4 दिनों से, जो भी पहन रही थी ना वो बस ऐसे ही पहन रही थी और खोल के रख रही थी, क्योंकि बीच में थर्सडे भी आ गया था, तो इस वजह से भी एक तो कपड़े तो वैसे इकट्ठे हो जाते हैं, उस दिन मैं धुलती नहीं हूँ, तो बहुत सारे ही कपड़े हो गए थे मेरे भी और अंश के भी। तो सारे के सारे मैंने धुल दिया, आज बैठी बस आधे 1 घंटे के, और सबको मैंने धो दिया, बहुत सारे हो गए थे। तो नीचे तो आ नहीं रहे थे, तो नीचे बालकनी में जो भी 4-5 आए थे वो वहाँ डाल दिए मैंने, और बाकी के जो बच गए थे वो मैं ऊपर छत पे डाल दे रही हूँ। और पहली बार मैं, मतलब जहाँ से जा रही हूँ, पहली बार नहीं, शायद दूसरी या तीसरी बार जा रही हूँ। तो पहली बार गई थी तुरंत शादी के बाद, दूसरी बार गई थी यहाँ से जब मुझे गोवा जाना था, तो उस टाइम पे तो, मतलब गोवा जाना था तो एज सच उतना कुछ प्रिपरेशन हुआ नहीं था। तो इस बार फाइनली प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है मेरे जाने की। और यहाँ पर मैं भी नहा धुल कर बैठी थी और इधर तैयारी चल रही थी, मैं अपना नेल पेंट वगैरह कर रही थी। मम्मी ने कहा पाँव और रंग दो, नेल पेंट कर लो जल्दी जल्दी से, ताकि बाद में लेट हो जाओगी। और मम्मी भी कुछ तैयारियाँ कर रही है, प्रिपरेशन, कुछ पैकिंग वैकिंग ये रख लो वो रख लो, या फिर कुछ मतलब पैकिंग में हेल्प कर रही है। और मुझसे पहले तो ये मेरे बेटा महाराज ही नेल पेंट करने के लिए बैठ गए, और इन्होंने तो कुछ नेल पेंट तो गिराया भी, तो फिर नेल पेंट करने से पहले मुझे उनको ही क्लीन करना पड़ा कि पहले उनको क्लीन करूँ। और आज मैंने 3 बार नेल पेंट लगाई ही है और रिमूव करी है, क्योंकि ना मुझे कोई कलर नहीं पसंद आ रहा था। और दूसरा ये हो रहा था ना कि थोड़ा सा मैं लगाती थी और मैं पंखे में बैठी थी ना, वो अजीब से ड्राई हो जाते थे, ख़राब से हो जाते थे, तो इस वजह से बार बार मैं रिमूव कर रही थी। एट द लास्ट फिर जो न्यू वाला मम्मी लेकर आई थी वो वाला लगाया मैंने, तब जाके मुझे वो पसंद आया। उसके बाद फिर तब तक थोड़ी ये 3-4 बजे का टाइम है, कपड़े सारे सूख गए थे तो मम्मी ने ला कर रख दिए थे, छत के कपड़े मैं खुद लेकर आ गई थी और इनको भी मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और बेटे ने तब तक एक पैंट गीला कर लिया, तो फिर मैंने उसको दूसरा निकाल के दिया कि चल अब इसको पहन ले, और उस वाले को मम्मी ने सूखने के लिए रख दिया था। तो ये सारे कपड़े भी पैक हो गए हैं और यहाँ पे पैकिंग हो रही है, कभी मम्मी कभी पापा पैक कर रहे हैं जो ले जाने की चीज़ें हैं। तो ले जाने में चूड़ा, केला, कच्चे केले भी हैं, पके हुए भी हैं, और खजूर है, और है लड्डू। तो यही सारी चीज़ें जा रही हैं, सनीस बोलते हैं हमारे साइड पर, तो वही सनीस में यही सारी चीज़ें जा रही है, तो सब पैकिंग में भी लगे हैं। और ये वीडियो मेरे बेटे ने शूट किया है, हम भाई बहन बैठ के बातें कर रहे थे, पापा भी थे, तो इसने शूट किया, तो अच्छा ही कर लिया। मैंने सोचा चलो क्लिप ऐड कर देती हूँ। उसके बाद बेटे का मन कल से ही था पानीपुरी खाने का, तो मम्मी ने फाइनली आलू बॉईल कर दिया, तो मम्मी ने और मैंने मिल के पानीपुरी बना लिया और पार्टी कर लिया हम सब ने मिल के। तो खूब सारा पानी पूरी खाया हमने, उसके बाद हमने दही पूरी भी खाई, मतलब इतना खाया ना कि क्या ही बताऊँ आप सबको। पता नहीं कहीं ठेले वाले से खाते ना तो 1000 रुपये की पानी पूरी खाते, सब ने खाया और सब ने खूब मन भर के खाया। उसके बाद सारी पैकिंग मेरी लगभग हो चुकी है, मम्मी ने खूब सारा पानी का बॉटल भी भर दिया है, क्योंकि ना मेरे ससुराल में अभी आरओ ख़राब हो गया है कुछ टाइम पहले से, लगभग 5-6 महीनों से, तो इस वजह से मम्मी कहा चलो भर देती हूँ जब तक कि काम चले। उसके बाद देवर जी को आना था मेरे, मुझे लेने के लिए लगभग 3-4 बजे के लगभग, लेकिन वो लेट हो गए क्योंकि ना रोड पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो वो 3-3.5 घंटे लेट हो गए, 7-7.5 बजे लगभग वो आए थे।
उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं तैयार हुई। मैंने यही साड़ी रखी थी पहनने के लिए जो मेरी लास्ट ईयर का वट सावित्री की साड़ी है, अगर आप सबको याद हो तो, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं, तो वही साड़ी मैंने पहनी और बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिंपल पोनीटेल किया, लिपस्टिक लगा लिया और हो गई मैं तैयार। बैंगल चेंज कर लिया था मैंने और बेटे को यही मम्मी ने दिया है, तो मम्मी ने मतलब बेटे ने वो टी शर्ट पैंट पहन लिया। और यहाँ पर मेरे भाई लोग लगे पड़े हैं सामान को गाड़ी तक पहुँचाने के लिए और देवर जी का चल रहा है नाश्ता और सभी लोग गप्पे शप्पे मार रहे हैं और अब बस निकलने की घड़ी आ ही गई है। मोस्ट इमोशनल मोमेंट, मम्मी यहाँ पे चाय बना रही है देवर जी के लिए और जो ड्राइवर थे, ड्राइवर नहीं थे मतलब वो फ्रेंड ही है मेरे देवर के, तो उनके लिए। तो बस मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताएगा, बहुत ही सिंपल सा लुक है बट कैसी लग रही हूँ। उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे दिया खोईचा, क्योंकि खोईचा देना तो कंपलसरी होता है, बेटी बहू को बिना खोईचा के ऐसे खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं भेजते। खोईचा में चीनी या फिर चावल ये सारी चीज़ें होती है, कुछ पैसे होते हैं, हल्दी फूल ये सारी चीज़ें डाल देते हैं और 5 बार देना होता है और थोड़ा सा पीछे बचाना भी होता है, सारा ही खाली करके नहीं देना होता ताकि दोबारा आए ऐसा कहते हैं। और बस अब मैं निकलती हूँ यहाँ से, आगे का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मूड ठीक नहीं था ऑब्वियसली निकलने पे। और बस मैं पहुँच चुकी हूँ ससुराल और यहाँ पे सामान गाड़ी से उतरना स्टार्ट हो गया है। मैं और अंश तो उतर गए, अंश तो उतर ही नहीं रहा था बट फाइनली आ गया और अपनी दादी से मिल रहा है, सभी से मिल रहे हैं हम लोग और बैठे हैं थोड़ी देर, बस ऐसे ही बैठती हूँ। उसके बाद फिर चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया था, 9:30 बज गए थे हमें आते आते को, बहुत लेट हो गया था। फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल में और वहाँ पे मैंने कुछ भी आगे शूट नहीं किया क्योंकि आप सब समझ सकते हो इमोशंस वहाँ पे अच्छे नहीं होते हैं, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, सब दुखी दुखी, थोड़ा बहुत रोना धोना, तो इसलिए कैमरा उठाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रास्ते भर भी मूड ठीक नहीं था इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है और बस पहुँची हूँ। मुझे 1-1.5 घंटे हो चुके हैं, हम सब बैठ के बातें कर रहे थे और अभी मैंने कपड़े निकाल लिए, मैं चेंज करूँगी और इस ब्लॉग को आगे तक देखे अच्छा लग रहा है नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने आज तो ये दुपट्टा निकाल लिया, कल मैं दुपट्टा चेंज कर दूँगी, कॉटन का है और बस ये गाउन जो मैंने पहना हुआ था वो मैं पहन लूँगी। आज ने भी अपनी सारी चीज़ें ऐसे बिखेर दी हैं, चलिए चेंज कर लेते हैं। हाँ तो बहुत दिन बाद जाना है, बहुत दिन बाद जाना है, चलो ये सब पैक करो पहले। हाँ तो अभी सारी चीज़ें बस ऐसे ही बिखरी पड़ी हैं, जैसे जो आया वैसे ही मैंने रख दिया है क्योंकि आज तो नहीं संभाल सकते, थक गए और रात भी काफ़ी हो चुकी है, आज सो चुका है, हमारा भी खाना पीना हो चुका है, तो बस अब मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने के लिए और फेस वॉश करने के बाद बस सोऊंगी, नाइट टाइम रूटीन तो फॉलो करना ही है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और व्लॉग को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, और भी बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप सबके लिए लेकर आने वाली हूँ आगे के वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।